हेलो एवरी वन आई होप दैट यूर ऑल डूइंग वेल दिस इज मी सैयद शरातुल्ला वेलकम टू इखरा आई एस करंट अफेयर्स चैनल चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एक भी आपसे अनाउंसमेंट है डब्ल्यू 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 डॉट इखरा आई एस डॉट कॉम पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के लिए ओके okay. और जो भी ग्रेजुएशन uh, में है उनके लिए भी और जो भी एडवांस है रिपीटेड से उनके लिए भी सो मेनी कोर्सेस लॉन्च आप किसी ना किसी कोर्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन बी ए पार्ट ऑफ एस ओके एंड एंड विल मेक श्योर दैट यू कैन सेल वेरी स्मूथली इन योर एग्जामिनेशन ठीक है फाइन एंड ऑल दी वेरी बेस्ट जो लोग मुझे सुनते हैं जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं भी सुन रहे हैं Uh, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट uh, विशेष है फॉर फर द एग्जामिनेशन अच्छा लिखिए uh, जो भी आपका नहीं हुआ है पढ़ना जो भी इनक्यूरेट uh, uh, जो भी आप टॉपिक्स अन लाइक नॉट सो गुड कवर्ड नॉट सो गुड कवर्ड है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई यह मैं यहाँ पे कन्फ्यूज है मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में रिटायरमेंट uh, एज के ऊपर टेन्यूर के ऊपर इंडिपेंडेंसी के ऊपर पार्लियामेंट में क्वेश्चन uh, अवर के ऊपर जीरो के ऊपर फिर बजट में कौन सा टैक्स क्या है एक्सेट्रा थोड़ा बहुत फैक्चुअल डेटा के ऊपर भी ध्यान दीजिए क्योंकि आने के क्वेश्चन ज़्यादा इसमें से भी होते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ आवर पेपर होता है फैक्चुअल ओके okay. बाकी का होता है कॉन्सेपचुअल थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस होता है जनरल अवेयरनेस सो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होता है सो मेक श्योर दैट आप फैक्चुअल uh, डेटा भी थोड़ा बहुत याद कर लीजिए दैट विल बी वेरी हैंडी एलिमिनेशन करने तब आपको वो ईजी होगा ठीक है राइट आज का हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन्स्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट ये हिंदू एडिटोरियल के न्यूजपेपर में आया था एक दिन पहले एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दस्ट जिससे सोशल इशू ये सोसाइटी के रिलेटेड इशू है ये एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है एक बंदी की प्रॉब्लम नहीं है दस बंदी की प्रॉब्लम नहीं है ये ऑलमोस्ट एक सोसाइटी में जितने भी लोग हैं ओके बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन किस तरीके से, से मैनेजमेंट करें हम देखने वाले हैं देखिए आपको तो पता है कि मैंसुरल uh, हेल्थ अभी पहले ज़माने में तो सेक्सुअल uh, एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते थे अभी तो पेरेंट्स हो ये जो भी सिस्टर्स हो ब्रदर्स हो एल्डर ब्रदर वो बात करते हैं मैंसुरल हेल्थ के बारे में तो वैसे ही बात नहीं करते थे ओके अब इसके बारे में भी आप क्लियरली लड़की लोग बोलते हैं कि यार आई एम ऑन पीरियड्स राइट सो दे दे डोंट आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट एक जमाने में तो ये तो नाम भी लेना बहुत बड़ी बात हो गई थी ओके सैनिटरी पैड भी यूज करना बहुत बड़ी बात हो गई थी वह वो छुपा के लेके आना ओके okay, और खाली गर्ल्स ही जाके पूछना ओके okay, बच्चों को भी नहीं भेजते थे घर में कि आप जाके लेके आओ सो ऑल दैट वाज देयर नाउ अभी तक अभी तक हमें इतना प्रोग्रेस हो चुके हैं कि ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल्स अभी नहीं है ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल्स अभी नहीं है बट बट एक बात आपको मैं बता दू जो हम एक्चुअली सोच रहे हैं ना द फैक्ट्स वो एक्चुअली नहीं बता रहे हैं हमारा जो अभी सोच जो हम जो मैं अभी आपको बोला ना वो हमारी सोच है वो आपकी सोच है वो सबकी वैसी ही सोच है कि अभी सब चीजें ठीक हो गई है बट फैक्ट्स अगर हम देखते हैं ये सब चीजें अभी ठीक नहीं हुई है बहुत सारे लोगों को इन एक्सेसिबिलिटी है अभी तक वो एक्सेस ही नहीं कर सक रहे हैं सैनिटरी पैड्स रहो वहां के कुछ भी इंफेक्शन रहो सो दे आर नॉट एबल टू वॉट एक्सेस ऑल ऑफ दिस ये शॉकिंग फैक्ट जो हम uh, आज पढ़ने वाले हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वी हैव टू डू अलॉट और ज्यादा करना पड़ेगा अपने को मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट में ठीक है चैलेंजेस क्या है सोशल एंड कल्चर वो पढ़ने वाले हैं और ये तो सोचिए कि अच्छे खासे घर के लोगों का प्रॉब्लम ये है ओके okay, थोड़े घर के लोगों का ये प्रॉब्लम है बट अगर आप गर्ल और वुमेन जो डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं जिनकी उनको भी साइकिल होती है उनका तो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है गर्ल्स एंड वुमेन विथ आर वॉट डिसेबिलिटीज उनको उठाएं कैसा उनको लेके जाएं कैसा जाएं फिर वो पैड चेंज करना पड़ता ऑल दीज ये पूरे क्या है मालूम ये केयर करना है ओके okay, ये केयर इकोनॉमी बोलते हैं इसको केयर इकोनॉमी अब ये कौन करेंगे ये घर वाले ही करेंगे राइट आर रॉन्ग सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि घर वाले रहो या कभी ऑफिस में जाओ आप कहीं पे जाओ तो ये किस तरीके से मैनेज कर सकें वी हैव टू सी दिस ऑल्सो और हम वे फॉरवर्ड ही पढ़ने वाले हैं कि हर गर्ल को हर वुमेन को मैं हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट करने के लिए ये जो दे दीज एज कॉलेज रिप्रोडक्टिव राइट्स रिप्रोडक्टिव राइट्स उनका बर्थ राइट right है बर्थ राइट एज ए लर्न एज ए गर्ल वो बॉर्न हुए हैं दिस देयर बर्थ राइट इसको अनदेखा नहीं कर सकती इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और ये हाइजीन नहीं मेंटेन करने की वजह से बहुत सारे बीमारियां आते हैं वो हमेशा डिस्ट्रेस में रहते हैं सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर इश्यू इन ए वेरी 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 स्ट्रक्चर एंड इन ए वेरी 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 अमेजिंग मैनर ठीक है राइट लेटस गो एट डिसबिलिटीज आर द बैरियर्स टू फेमिनाइन हाइजीन डिसेबिलिटी देखेंगे एंड वेरियस अदर बैरियर्स देखेंगे टू फेमिनाइन हाइजीन यहां पे यह बोला गया है वॉट एवर द इंट्रोडक्शन यही कहा गया है यहाँ पे भी एडिटोरियल में पांच डिकेड में लास्ट दस साल अगर हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हम कर चुके हैं विध रिगार्ड टू वॉट विथ रिगार्ड टू मैंस्ट्रल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट में नॉ गनमेंट भी कर रही है नॉन गवर्नमेंटल एन भी है बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी बहुत काम कर रहे हैं कि मैंस्टल हेल्थ एंड हाइजीन इंडिया में अच्छी तरीके से प्रोग्रेस ही रहे हैं। ठीक है इंक्रीज अवेयरनेस हो गया है लड़कियों को अबाउट दिस पर्टिकुलर व्हाट टॉपिक उनको भी पता चल गया है किस तरीके से वो मेंटेन uh, करे हुए हेल्थ एंड हाइजीन एनहैंस एक्सेस टू फीमेल फ्रेंडली जेंडर अप्रोप्रिएट सैनिटेशन फैसिलिटीज आजकल हो गए हैं ओके okay, आप होटल में जाएंगे आप कहीं पे मॉल में जाएंगे तो आप मेल और फीमेल अलग अलग बाथरूम्स होते हैं सो दैट दे कैन चेंज देयर पैड तो इस तरीके से बदलाव भी आया है पहली पहला क्या था थिएटर में खाली लड़कों का ही था ओके okay, लड़कियां तो जाते ही नहीं थे बहुत सारे अभी भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे लड़के लड़के के बाथरूम्स होते हैं लड़की के बाथरूम्स नहीं होते हैं तो वो वहीं से ही रह जाते हैं तो पैड खराब हो जाता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है ऑल दीज आर वेरी वेरी ओके प्रॉब्लम्स एट टाइप ऑफ टाइम अभी ये सब नहीं है अभी हर चीज प्रॉपरली है अपने पास अवेलेबिलिटी ऑफ मेस्टरल प्रोडक्ट्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं अभी दुकान पर सुपरमार्केट में भी मिल जाते हैं किराना स्टोर पे भी मिल जाते हैं मेडिकल पे भी मिल जाते हैं राइट इन पर्टिकुलर सैनिटरी पैड्स और द विजिबल आउटकम्स ऑफ दिस प्रोग्रेस तो इस वजह से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट वाले जितना भी इसके ऊपर कैंपिंग चलाए हैं अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करे हैं उस हिसाब से बहुत अच्छे से हर चीज हुई है अभी आप ये भी देख सकते हैं मोदी गवर्नमेंट हैज पैंड ट्वेल्थ थाउजेंड करोड़ रुपीज बूस्ट और टू टूनिटरी टू सैनिटरी पैड्स सैनिटरी पैड्स सो एक रुपए में एक मिलेगा सुविधा पैक पॉपुलर

इतना अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप भी निकला एक रुपए में मिल भी गया सुविधा पैड बट अभी थोड़े okay, थोड़े ऐसे से अपने कंट्री में विच आरथिंग बट गर्ल्स एंड है विद रिगार्ड टू वॉट विद रिगार्ड टू हाइजीन मैनेजमेंट बहुत बर्डन है वो उनको अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 नियरली 27 मिलियन पर्सन आर डिसेबल्ड इन अवर कंट्री ओके आर इन और गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने यह एक्ट भी लेके आया है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया है 2016 में यह प्रॉपरली स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट का काम है कि ये लॉन्ग टर्म बहुत देर तक लॉन्ग टर्म हमेशा ओके okay, जो डिसेबल है उनका फिजिकल उनका मेंटल उनका इंटेलेक्चुअल उनका सेंसरी इंपेयरमेंट जो भी रहेगा जो भी वो सोसाइटी से इंटरेक्शन करने में जो जो भी बैरियर रहेंगे अगर मैं अगर मेरे कान अच्छे नहीं है तो आपसे इंटरक्ट करने में मुझे प्रॉब्लम होगा अगर मुझे हाथ अच्छे नहीं है तो आपके साथ मुझे काम करने में प्रॉब्लम होगा राइट ए रॉन्ग सो जो भी फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है एक, एक इंसान में मेंटली कुछ प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है सेंसरी एम्पेयरमेंट हैिंग द पर्सन ओके एज ए बैरियर्स विद द सोसाइटी ओके एंड

राइट right. रिसेंटली कल भी एक केस हुआ था कि वो इंडिगो वाले डिसेबल्ड बच्चे को आ, फ्लाइट में बैठने नहीं दे रहे थे तो somehow, वो फ्लाइट में जो जाने वाला जो लड़का था वो नहीं जा सका डिसेबल्ड था बोल के वो लोग लो चढ़ने नहीं दिए वो नहीं जा सका फिर कोर्ट में वो केस डाले कोर्ट ये मालूम हुआ कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन में कि वो इंटेंशनली वो डिसेबल्ड बच्चे को चढ़ने नहीं दिए इंडोग्यो इंडिग्यो एयरवेज के अथॉरिटीज वाले राइट right. तो वो कोर्ट ने पाँच लाख रुपये कॉम्पेसन मांगा था इंडिगो वालों से दिस इज वॉट इज हैपनिंग कि उनके राइट्स क्या क्या है ओके कैन देम एनी ऐसा नहीं रोक सकते आप और क्या क्या हक के लिए एंटाइटलमेंट है लाइक रिजर्वेशन इन जॉब्स उनको क्या क्या आना है उनको क्या क्या गवर्नमेंट से दिलाया गया है सो दैट इज कॉल्ड एज एंटाइटलमेंट सो टू थाउजेंड सिक्सटीन एक्ट में जो जो भी उनके राइट्स मेंशन किए गए हैं उनके एंटाइटलमेंट कितना क्या दे रहे हैं उनको वो भी मैं किए गए हैं एंड इट इज प्रॉपरली इन दिस एक्ट गैट की वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर पर्टिकुलरली वनरेबल

एक्सेस बहुत पूर है स्पेशली फॉर दो एंड एक वर्नरेबल ग्रुप इन इंडिया गर्ल एंड वुमेन विथ डिसबिलिटीज फ्रॉम पुर हाउस होल्ड ओके एंड मार्जिनाइज कम्युनिटीजेर ट्रिपल बर्डन डट एक्सरबेट देयर वर्लबिलिटी ट्रिपल बर्डन है उनका पुर पहली बात घर में देखो ओके okay, उसके बाद में घर में उनको आ, घर के साथ उनको काम करना पड़ेगा वो चाइल्ड लेबर है तो भी घर के हाथों तो में घर के काम में हाथ बताना पड़ेगा लोग एजुकेशनल डी एवॉड होते होते हैं उसके ऊपर से वो सन प्रेफरेंस इन द सोसाइटी रहने की वजह से आ, इनको डिस्क्रिमिनेशन होता है ये सेकंड है थर्ड वन क्या है ये रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बात भी नहीं करेंगे सो दे आर फेसिंग द ट्रिपल बर्डन जिससे उनकी वेलेबिलिटी और एग्जासबेट हो जा रही है और इंक्रीज हो जा रही है राइट ओके चैलेंजेस क्या है चैलेंजेस क्या है देखो प्री जुडिस का मतलब है किसी को छोटी नजर से देखना ओके विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी रीजन अगर आप किसी को किसी को एलिगेट करते हैं या किसी की सिचुएशन बना बता देते हैं किसी के बारे में नेगेटिव बना बता देते हैं दैट इज कॉल एज ओके जैसे कि अगर वाइट आदमी है जैसे कि यूरोपियन है और इंडियन है ब्रिटिश के जमाने में क्या था इंडियंस वर प्रिजुडिस इंडियन प्रीजुडिस दोनों तो ह्यूमन बीइंग है ओके okay. ये दोनों भी ह्यूमन बीइंग है ब्रिटिश वाला भी ह्यूमन ह्यूमन है है अपन भी बस इसका कलर व्हाइट है अपना अपना थोड़ा बहुत है 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 राइट तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों भी ह्यूमन बींग रहने के बाद में भी इंडिया इंडियंस आर ऑलरेडी इनके बारे में एक परसेप्शन बनाया गया है कि नहीं भाई ये इतने काबिल नहीं, नहीं है इतने सिविलाइज नहीं है जितने व्हाइट वाले हैं दिस इज कॉल्ड एज प्रीजुडिस विदाउट एनी रीजनिंग अगर किसी के बारे में आप कॉन्सेप्ट बना लेते हैं किसी कम्युनिटी किसी ग्रुप के बारे में आप ये सोच लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज सो so, जो प्रीजीज है अपने कंट्री में अपनी सोसाइटी में और जो मिसकॉन्सेप्शन है अबाउट द रिप्रोडक्टिव एनाटोमी ओके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रिलेटेड जो भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है हार्मोनल इम्बेलेंसेस हो जाता है ओके एंड द एबिलिटीज ऑफ पर्सन विद डिसिटी रिजल्टिंग इन देम ओके रिजल्टिंग इन देयर बींग कंसिडर सेक्सुअल अनसुटेबल फॉर मैरिज एंड इनकेपेबल ऑफ हैविंग रेजिंग चिल्ड्रन सो सबसे बड़ा चैलेंज है क्या है अगर कोई अपाहिज है अगर कोई ओके किसी के किसी का कान अब, कोई भैरा है कोई अंधा है कोई गूंगा है किसी के पास हाथ पांव बराबर नहीं है तो हम उसको देखते ही क्या समझ रहे हैं सोसाइटी में हम सोसाइटी में उसको देखते ही क्या समझ रहे हैं भाई उन्हें रिप्रोडक्शन करेगा भी नहीं ठीक है जस्ट लाइक अपन जैसा कि शाहरुख खान की एक मूवी आई थी कतरी uh, कैफ के साथ जिसमें उन्हें बहुत छोटा था राइट यू नो दैट ही इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन दैट सो वैसे लोगों को देख के आप क्या समझेंगे भाई इनकी तो शादी वादी तो नहीं होगी ये क्या जिंदगी चलाएंगे ओके ये क्या सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो एक सोसाइटी में मिसकनसेप्शन बन बन चुका है कि ऐसे लोग जो कि डिसेबल हैं तो वो लोग कुछ काम के नहीं है सोसाइटी में इससे सोसाइटी में वो लोग इंटीग्रेट भी नहीं हो सक रहे हैं एक्सेस टू एजुकेशन ओके एक्सेस टू सेक्सुअल एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज आर इंटर्न कॉम्प्रोमाइज और ऐसे लोगों के लिए ओके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओके बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है अपने अपने कंट्री में फिजिकल बैरियर से जैसे कि अगर आप आ, आप जाएंगे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप जाके डॉक्टर से बात करेंगे ऐसा है वैसा है बट डिसेबल पीपल अगर जाएंगे तो उन आर मिस्रीटेड दे आर मिसटेड ओके याद रखिए फील्ड एक्सपीरियंस रिवील दट कॉम्प्रोमाइज हेल्थ

के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बट इट इज डीपली डीपली इंटीग्रेटेड इन टू द नोशंस दैट ये इम्प्योर भी बोलते हैं लड़की को इस वजह से डी भी बोलते हैं लाइक दैट ओके ये भी निकालना है इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ओके

उनके बच्चे जैसे ऑल्ट्रिज्म के बच्चे रहते ना उनको समझ उतनी नहीं रहती है तो ये काबिनेटिव कैपेसिटीज़ और जो मोबिलिटी नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत बड़ा ग्रेटर चैलेंज है ये क्योंकि वैसे लोगों को कब पीरियड्स हो रहे भी नहीं मालूम होता ओके कहाँ पे बैठ के वो पीरियड्स हो जाते नहीं मालूम होता पैड चेंज करना नहीं मालूम होता डिसेबिलिटीज़ के पर्सन को भी कब चेंज करना नहीं मालूम होता तो इनके लिए ये बहुत ग्रेटर चैलेंज है कि उनकी रिपोडक्टिव राइट्स और रिपोडक्टिव हेल्थ को कैसा मेंटेन करें दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू ओके सॉल्यूशन क्या है देखो ये पूरे जो भी है

छे, वो किस तरीके से मैनेज करें ठीक है जो भूलने की बीमारी है वो बच्चे किस तरीके से वर्किंग ऑन सोल्यूशन सोल्यूशन काम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को किस तरीके से वो लोग अपना आप ही रिपोर्टिव हेल्थ किस तरीके से मेंटेन कर सके इसके ऊपर काम चल रहा है ठीक है क्रिटिकल एरियाज टू वर्क क्या है पहली बात एक्सेसिबिलिटी ओके okay, पहली बात उनको जो भी जरूरत की चीजें हैं रिपोर्टक्टिव हेल्थ मेंटेन करें वो एक्सेसिबल किस तरीके से होंगे और उनको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से देना है एजुकेशन करना है उनको कम्युनिकेशन करना है कि मेन्सूरल हेल्थ के बारे में क्या है अगर डिस्चार्ज इस तरीके से होता है ज्यादा हुआ तो क्या करना है कम हुआ तो क्या करना है किस तरीके से मालूम करें कि वहां पर बैक्टीरिया है एक्सेट्रा ये सब उनको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन देना होगा सो दैट इट विल नॉट एग्रेवेट नहीं होगा और वो हेल्थी रहेंगे ठीक है द मैनर इन विच इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड विद वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिसबिलिटी ये भी जरूरी है ओके टैक्टिकल मॉडल्स लाना जरूरी है अगर कोई अंधा है ओके okay, अगर कोई अंधा है और डिसेबुल्ड है ये कैसा अगर कोई लड़की अंधी भी है और वो डिसेबल भी है ठीक है तो अब इनको किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन दें इनको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दें तो वो देख भी नहीं सकती वो चल भी नहीं सकती ऐसे लोगों के लिए ऑडियो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है ऑडियो एक्सप्लेनेशन जरूरी है ऐसा खोलना चाहिए पैड को ऐसा रखना चाहिए ऐसा लगाना चाहिए फिर ये चार घंटे का भी बदलना चाहिए सो so, अगर ये डिसेबल्ड पीपल को अगर हम उनकी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ और हाइजीन अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि इनके डिसेबिलिटीज के हिसाब से सोल्यूशंस रहो सोसाइटी में ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे तो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट तो नहीं दे सकते ना जैसे कि अपने स्टे फ्री वेस्ट पर जो भी है जो हेल्थी है जो आराम में है जैसे कि आप है मैं हूँ तो हमारे लिए तो ज़रूरी नहीं है ना हम तो डायरेक्टली सैनिटरी पैड्स ले लेंगे इट्स नॉट ए बिग इशू फॉर अस बट हमारे लिए तो यूनिफॉर्मिटी है कहीं पर भी जाओ वही मिलेगा वही यूज करेंगे राइट right? बट इनके लिए ऐसा नहीं हो सकता

इसका मतलब पचास परसेंट ऑलमोस्ट अराउंडी परसेंट ऑफ दुम एंड गर्ल ओके विद डिसिटीज वर्ड प्रॉपर मेन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं वो कुछ भी घर का क्लॉथ ले ले रहे हैं कॉटन ले ले रहे हैं उस हिसाब से वो जी रहे हैं ओके पर्सन विद इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट्स जिसके जो दिमाग से थोड़े बहुत वीक है दे आर हाईली सेंसिटिव टू मटेरियल्स दे आर हाईली सेंसिटिव टू मटेरियल्स एंड मे रिक्वायर दोस दैट आर सॉफ्ट टू टच एंड कॉज लेस इरिटेशन ओके जो भी दिमागी हालत से जो कमजोर है ना उनको घट चीजें बहुत अच्छे नहीं दिखते उनको सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें अच्छी दिखते हैं उनके लिए उस तरीके से बनाना पड़ेगा वो लड़कियों के लिए उस तरीके से बनाना पड़ेगा पर्सन विद मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन उनके लिए बनाना पड़ेगा कि लॉन्गर टाइम चल सके सैनिटरी पैड्स तो तो आपको ये तो पता चल गया है कि कि इट इट इज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम सबिलिटीज के लिए जब ये हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए अगर हम सोच रहे हैं डिसेबल पीपल के लिए तो उनके लिए उनके हिसाब से बनाना बहुत जरूरी है तो ही यह चल सकेगा ओके द थर्ड इज रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन फैसिलिटीज उनके घर में जो भी डिसेबल्स है गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके घर में पानी आ रहा है ओके और टॉयलेट्स है या नहीं है तो ये भी जरूरी है द फोर्थ इज केयर गिवर्स केयर गिवर्स जो फैमिली पर्सन जो इंस्टीट्यूशन है ना ओके okay, उनको भी प्रॉपरली सैनिटरी पैड्स लगाने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इजिल वो लगा सके और इजिली केयर कर सके ये डिसेबल पीपल का अगर इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं तो केयर गिवर्स भी बहुत आराम से कर सकेंगे फ्रॉम द पॉलिसी परस्पेक्टिव गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए गवर्नमेंट शुड इनकॉर्पोरेट ए एपरेट डिजिटल डिसेबिलिटी इंक्लूसिव अप्रोच डिसेबिलिटी पीपल के लिए एक सपरेट बनाना पड़ेगा विद द मिनिस्ट्रेशन हेल्थ एंड हाइजीन वर्क इन द कंट्री एंड टू इंप्लीमेंट स्पेसिफिक डिसेबिलिटी फोकस इंटरवेंशन टू फैसिलिटेट इंक्लूजन ठीक है तो पॉलिसी हिसाब से पॉलिसी भी लेके आनी चाहिए जेंडर आइडेंटिटी एबिलिटी और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी रहो हर एक को आना चाहिए वेल इंडिया प्रोग्रेस तो हम कर चुके हैं बट बहुत सारे उसको अपने को निकालना है Expanding access to hygiene products, let us not leave anyone behind. Let us raise the bar to ensure that all menstruating person able or differently able or handicapped, whatever they are there, enjoy the same dignity and rights every month of the year. Every month, bhi nahin, every day of the year. Every month in the sense bari hote. Okay. Fine. This is all about today's uh, editorial uh, Thanks a lot. Uh, do visit to our website so that you can find new courses which can which you can enroll in that. Thanks for uh, thanks a lot for hearing to me. Bye bye. Take care.